पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा के लखनऊ पहुंचने से सियासत तेज हो गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बिना प्रोटोकॉल के गुपचुप तरीके से जेल मंत्री रंधावा लखनऊ पहुंचे और मुख्तार अंसारी के करीबियों और परिवार से मुलाकात की है। ऐसे में अब कांग्रेस नेता उमाशंकर पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उमाशंकर पांडे ने बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी बताते हुए रंधावा के सरकारी दौरे पर अफवाह फैलाने की बात कही है। भारतीय झूठा पार्टी योगी जी के नेतृत्व में फिर झूठ बोल गई। पंजाब सरकार के जेल मंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह रंधावा जी सरकारी कार्यक्रम में सरकार की जानकारी में सरकारी प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल होने आए थे। बीएसएनएल के अधिकारी उनके साथ थे। बीएसएनएल और कोऑपरेटिव के नेटवर्किंग का ये कार्यक्रम था जो कई राज्यों में चल रहा है, वो उसका ये कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम था। अब सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने वालों की जिम्मेदारी वो पंजाब के मंत्री की कैसे हो सकती है? वो तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बीएसएनएल और कोऑपरेटिव दोनों सरकार की एजेंसियां हैं, तो उसमें जो लोग शामिल होंगे वो तय करने की जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है, बीएसएनएल की बनती है। और अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई जो किसी संदिग्ध किरदार वाला है वो सरकारी नेटवर्किंग में शामिल होकर ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होता है, तो उसके लिए पंजाब के जेल मंत्री दोषी नहीं होंगे, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी कि कैसे कोई सरकारी नेटवर्किंग में काम कर रहा है। मुझे लगता है योगी जी संत होकर उत्तर प्रदेश का जो आतिथ्य भाव और आतिथ्य सत्कार की जो भावना रही है उन्होंने उसका निरादर किया है। कोई पंजाब से चल के आया है वो हमारा अतिथि है, और उसके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाना, इस तरीके के र्यूमर क्रिएट करना, मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक है और निंदनीय भी, और ये उत्तर प्रदेश के आतिथ्य भाव का भी अपमान। एक तरफ कांग्रेस सफाई पेश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला भी चुप नहीं बैठे। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार कब तक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बचाएगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सागिर्दी में ऐश कर रहा है, वहीं कैप्टन अमरिंदर के जेल मंत्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के करीबी सुखविंदर रंधावा बिना प्रोटोकॉल के बिना सरकार को जानकारी दिए लखनऊ आते हैं और मुख्तार अंसारी के करीबियों से मीटिंग करते हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, कांग्रेस से पूछना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। बता दें बीते दो साल से माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में लाया जाए, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से हर बार जवाब दिया जाता है कि मुख्तार अंसारी गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, डिप्रेशन और स्लिप डिस्क का शिकार है, तो ऐसी हालत में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार के जवाब के बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। न्यूज़ डेस्क।